जी हाँ, टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही बैंक की तरह ही आपको मैसेज भेजना शुरू कर सकती हैं। इसमें आपसे अपने सिम कार्ड में मिनिमम अमाउंट से रिचार्ज करने को कहा जाएगा, वरना आपका नंबर बंद हो जाएगा। प्रीपेड यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने सिम में ₹35 रहने चाहिए। हालांकि ये अलग अलग सब्सक्राइबर के हिसाब से तय हो रहा है। ऐसा न होने पर आपका सिम डीएक्टिवेट किया जा सकता है। पोस्टपेड यूज़र पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो महीने के आखिरी में यूसेज प्लान के हिसाब से पैसे देते हैं। वहीं प्रीपेड यूज़र्स की बात करें तो आप लगभग सभी कंपनियों ने अनलिमिटेड प्लान लॉन्च कर दिया है, जिनकी वैलिडिटी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल और वोडाफोन यूज़र्स को कंपनी की तरफ से वार्निंग वाला मैसेज मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि सूचना, आपको वोडाफोन नंबर --- बंद कर दिया जाएगा। नंबर जारी रखें किसी भी अनलिमिटेड कॉल राउंडर रिचार्ज से। वहीं ये मैसेज वोडाफोन के उन यूज़र्स को भेजा जा रहा है जिनके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है। एयरटेल ने ₹35 मिनिमम बैलेंस रखा है, जबकि वोडाफोन सिम को जारी रखने के लिए आपके पास ₹65 मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है। वहीं अगर लगातार मैसेज मिलने के बाद भी अगर आप सिम में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो कंपनियां 15 दिन तक लगातार मैसेज भेजेंगी। इसके बाद आउटगोइंग कॉल और मोबाइल डेटा बंद कर दिया जाएगा आपका। वहीं इसके बाद आपको मिनिमम अमाउंट से रिचार्ज नहीं कराते हैं तो इनकमिंग कॉल भी बंद कर दिया जाएगा आपका। इसके बाद आपको मैसेज मिलेगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आप कब तक रिचार्ज करा सकते हैं। वहीं सिम के वैलिडिटी के हिसाब से आपको रिचार्ज कर दोबारा से सिम को एक्टिवेट करना होगा। वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।